देशभक्ति के तराने गाएं, आजादी का मौसम आजादी का मौसम भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमृत महोत्सव में जो कि कल जिसका आगाज कल से कठुआ से हुआ था हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वीमेन से, जिसका आपने देखा रंगारंग प्रोग्राम भी हुआ, चित्र प्रदर्शनी भी लगी, उसी की कड़ी में आज दूसरे दिन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आज रैली की जा रही है, जो कठुआ के बाजार से होके एक आज़ादी के जो तरानों का संदेश देगी लोगों को, कैसे हमने इतनी मुश्किल से आज़ादी ली थी और उसी आज़ादी के जो हमारे ख्वाब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, हमें उसी मार्गदर्शन पे चलना है, इसी का संदेश देते हुए ये रैली जो है आगे बढ़ेगी। साथ साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दे पे भी ये बात करेगी। तो ये अपनी इसकी कल्बिनेशन जो इस रैली की होगी वो डिग्री कॉलेज वीमेन में होगी, जो हमारा मेन वेन्यू है। की तरफ से HDFC की तरफ से आज यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो आज नारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है और उसके साथ आजादी के 75 साल जो आज हम मनाने जा रहे हैं, जिन महान वीर सबूतों ने जो आजादी के हीरो थे उनको याद करने के लिए आज ये जो पूरे शहर के अंदर एक रैली निकलेगी, उन शहीदों को याद किया जाएगा जिनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी, चंद्रशेखर जी, मौलाना आजाद जी, जिन लोगों ने इस अनेक और हजारों लोगों ने इस देश के लिए जो कुर्बानी दी 47 से पहले, जो लोग अंग्रेजों ने जहां जो जुर्म हमारे खिलाफ उठाए थे उन वीर सबूतों को याद करने के लिए आज ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो आज नारा है और उसी को हम कामयाब करने के लिए और आज़ादी के 75 साल जो हम मनाने जा रहे हैं उसी के ऊपर आज यहाँ मार्च निकालेंगे हमारे साथ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की रैली भी निकाल रहे हैं क्योंकि हम जो हमारे फीमेल फ्रीडम फाइटर्स थे उनका जो महत्व था इस संघर्ष में उसको नहीं भूल सकते, उन्हीं को याद करते हुए हमने ये रैली निकाली है। हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर सुपरवाइजर सब इकट्ठे होकर ये रैली निकाल रहे हैं, लोगों तक संदेश पहुंचाएंगी। बहुत बलिदान देकर हमने ये आज़ादी पाई थी, इस आज़ादी का बहुत मूल्य है उसको पहचाने और उसको बरकरार रखें। गवर्नमेंट को जवाब देता हूँ कि इन्होंने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे जो रैली निकाली है, ये जो फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ये जो गवर्नमेंट का है कि मेनली कि बेटियों को बचाना है, अगर समाज में आगे बढ़ना है तो जो हमारा 50% जो पॉपुलेशन है, जो हमारा आधा समाज है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा तब तक पूरा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं PUICDS को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि वो इसके लिए दोबारा आगे भी अवेयरनेस जो है एक कैंपेन ऐसे करते रहें। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।